से छेड़छाड़, कॉलेज में तीन छात्रों ने छेड़छाड़ की है और अभद्र भाषा बोलते हुए वीडियो भी बनाया है। शिक्षिका की तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, मेरठ से जहां तीन छात्रों ने शिक्षिका के साथ छेड़खानी की है और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो भी बनाया है, शिक्षिका की तहरीर पर केस दर्ज किया गया और पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव के एक स्लॉटर हाउस में छापेमारी की गई और डीएम के आदेश पर जांच के लिए पहुंची टीम, शिकायत आने के बाद जांच के आदेश दिए गए थे और सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पोल्यूशन विभाग मौजूद, सीवीओ, एआरटीओ, फूड सेफ्टी, श्रम विभाग इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। परमिशन से ज्यादा स्लॉटरिंग की मिली है शिकायत और ये शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई देखने को मिली। अवकाश के दिन भी स्लॉटरिंग होने का आरोप लगा है और अधिकारी स्लॉटर हाउस में कई बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। दही थाना क्षेत्र के स्टैंडर्ड स्लॉटर हाउस में ये छापेमारी हुई है। और खबर इटावा से, जहां जशवंत नगर में भीषण हादसा हुआ, एनएच 2 पर पलटा सेब से भरा बेकाबू ट्रक और ट्रक पलटने के बाद सड़क पर बिखरे सेब। तो भीषण हादसा जसवंत नगर में और तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है कि किस तरह से ये हादसा हुआ है और पूरा का पूरा जो ट्रक है वो पलट गया है और बीच सड़क पर ट्रक के पलटने से यातायात भी प्रभावित हुई है। और इटावा के जसवंत नगर के एनएच 2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इसमें बताया जा रहा है कि सेब लदे हुए थे और पूरा जो सेब है वो सड़क पर गिर गया है और यातायात भी प्रभावित हुई है। बस्ती से खबर, जहां सांसद की गाड़ी